वाइटिंग एंटरटेनमेंट की श्रृंखला सुरीले कलाकार में आपका स्वागत है। आप फिल्मों में अपने चहेते कलाकारों को गीत गाते हुए देखते हैं। आप जानते हैं कि ये गाने वो खुद नहीं गाते, बल्कि जाने माने गायक कलाकार उनके लिए पार्श्व गायन करते हैं। ऐसे कितने ही गाने हैं जो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। इनमें से कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने बाकायदा संगीत सीखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्मों में अपने लिए किसी न किसी गायक कलाकार की आवाज ली है। पार्श्व गायन की शुरुआत से पहले और बाद में भी ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने गाने खुद गाए हैं। पार्श्व गायन के दौर में अभिनय और गायन, इन दोनों में कामयाबी हासिल करने वालों में नूरजहां और सुरैया के बाद किशोर कुमार का नाम आता है। इनके अलावा अशोक कुमार, सुलक्षणा पंडित, अमिताभ बच्चन आदि कुछ कलाकारों ने अभिनय के साथ साथ गायन में भी अपनी जगह बनाई है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे ऐसे कलाकारों की जिन्हें आप अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में कभी न कभी गाने भी गाए हैं। भले ही उन गानों की संख्या न के बराबर है, लेकिन ये तो पता चल ही जाता है कि अभिनय और संवाद अदायगी के अलावा हमारे इन चहेते कलाकारों के गले में सुर भी है। आज हम बात करेंगे अभिनेता राज कपूर की। राज कपूर जिनकी आवाज माने गए मुकेश। मुकेश के अलावा और भी गायक कलाकारों ने राज कपूर के लिए पार्श्व गायन किया है, लेकिन राज कपूर खुद एक अच्छे गायक रहे हैं। उन्होंने संगीत भी सीखा और फिल्मों में अपने लिए गाया भी है। राज कपूर को संगीत से बेहद लगाव था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राज कपूर संगीतकार बनना चाहते थे, यही उनकी महत्वाकांक्षा थी। वो संगीतकार आरसी बोराल से बहुत अधिक प्रभावित थे। तबला, हारमोनियम, सितार सीखने के लिए वो माटुंगा में नारायण राव व्यास संगीत अकेडमी में शामिल भी हुए। पृथ्वी थिएटर के वरिष्ठ संगीतकार राम गांगुली, जिन्होंने उनकी पहली फिल्म आग में संगीत दिया था, और उनकी दूसरी फिल्म से उनके साथ जुड़े संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ धुनों की रचना करने में और संगीत संयोजन में राज कपूर हमेशा अपना आउटपुट दिया करते थे। राज कपूर का मानना था कि भारत जैसे देश में संगीत आम लोगों के लिए मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है। उन्हें अपने गानों से प्यार था, इसीलिए संगीत उनकी फिल्मों का एक अभिन्न अंग रहा। राज कपूर संगीतकार तो नहीं बने, लेकिन वो गायक जरूर बन गए, और दूसरे संगीतकारों के निर्देशन में उन्होंने फिल्मों में गाया भी। 1947 में उनकी फिल्म आई दिल की रानी। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, अभिनेत्री थी मधुबाला। मधुबाला उनकी पहली अभिनेत्री थी जिनके साथ उन्होंने उसी साल मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म की थी, नील कमल। इसके अलावा राज कपूर ने कुछ और फिल्में भी मधुबाला के साथ की। 1947 में चित्तौड़ विजय, 1948 में अमर प्रेम और 1959 में दोस्ताद। दिल की रानी फिल्म में राज कपूर ने दो गाने गाए थे, एक सोलो सॉन्ग और उसी का डुएट वर्जन। वो गीत था ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, बोलो कहाँ गया चितचोर। यही गाना उन्होंने गीता दत्त के साथ भी गाया। गीतकार थे यशोवर्धन जोशी और संगीतकार सचिन देव बर्मन। जेल यात्रा फिल्म में राज कपूर का गाया गीत भी काफी मशहूर हुआ था। पिया मिलने नवेली नदी जाए रे, मैं अकेला चला दर्द दबाए रे, जिया में लिए हाय रे। संगीतकार नीनू मजूमदार और गीतकार थे राम मूर्ति चतुर्वेदी। नीमू मजूमदार के संगीत निर्देशन में राम मूर्ति चतुर्वेदी का लिखा एक और गीत उन्होंने गाया था, फिल्म थी गोपीनाथ। 1948 की इस फिल्म में वो गाना था, जब से देखा है तुम्हें पथ खो गए हैं हम कहीं, ना तसल्ली है न जी को चैन है एकदम कहीं। 1948 में राज कपूर ने आरके फिल्म्स की स्थापना की और अपनी पहली फिल्म बनाई आग। इसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया और राज कपूर ने अभिनय और फिल्म निर्माण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, लेकिन संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। राज कपूर ने भले ही गायन को अपना करियर नहीं बनाया, लेकिन लाइव शोज में वो स्टेज पर अपने गीत गाते थे और उन गीतों पर थिरकते भी थे।
व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की श्रृंखला सुरीले कलाकार की अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी और कलाकार की बात करेंगे जिनकी पहचान एक अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में है, लेकिन उन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्मों में गीत भी गाए हैं। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।